रिश्ता क्या कहलाता है में एक और नई एंट्री हो गई है और ये आंटी जी कोई और नहीं बल्कि दादी की बहन है। यहाँ जो दादी हैं उनकी बड़ी बहन है जो अमेरिका से आई हैं और शायद वो ही एकमात्र ऐसे इंसान है जिससे दादी थोड़ा सा डरती है। तो बेसिकली ये कैरेक्टर आया है जो नायरा और किट्टू में जो आपस में थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व करने के लिए और अपनी बहन को ये बताने के लिए कि वक्त के साथ इंसान को बदलना चाहिए। अब अगर तीन पीढ़ियाँ एक साथ रह रही हैं तो जो बीच की पीढ़ी होती है वो बहुत पिस जाती है। तो स्वर्णा ने उन्हें बुलाया है और वो स्वर्णा का साथ देने आई हैं और ये बात जब दादी को पता चलेगी तो शायद उन्हें अच्छी भी नहीं लगेगी लेकिन जीजी सब संभाल लेंगे। वो शॉक्ड इसलिए कि मुझे लगता है जब लोग अब्रॉड से आते हैं तो उन्हें ऐसी चीज़ें खाने की आदत नहीं होती और शायद ये भी लगता है कहीं बीमारी ना हो जाए और शायद ये भी शॉक्ड थे कि नायरा उनके साथ है क्योंकि नायरा घर छोड़ के चली गई थी तो वो ही दादी को लेके आई है ये बहुत बड़ी बात है। मुझे तो इतना प्यार मतलब मैं तो यहाँ लुक टेस्ट के लिए आई थी ना तभी फिदा हो गई थी और मुझे इतना अच्छा लगा। आज भी मेरे लिए बुके ऑफ फ्लावर्स था मेरे मेकअप रूम में। द मेकअप मैन द हेयर ड्रेसर द डायरेक्शन प्रोडक्शन एवरी वन इज so sweet and so warm and courteous और मतलब डायरेक्टर साहब तो मेरे साथ अपने उनका फर्स्ट शो जो था जस्ट मोहब्बत उसमें मैंने काम किया उनके साथ तो बच्चे बड़े होके इतने अच्छे। राजन जी भी बहुत मतलब अपने बच्चों की तरह ही है राजन भी तो बहुत खुशी होती है जब ये सब जो नौजवान हमारी आंखों के आगे इंडस्ट्री में आए हैं वो इतनी तरक्की करते हैं और मेरे लिए ये बहुत ख़ास है कि मैं राजन शाही के सेट पे काम कर रही हूँ। पता है पानी पूरी की कहानी ये कि मैंने पहली बार भी पानी पूरी ना शूटिंग में ही खाई थी क्योंकि मुझे कभी मुझे डर लगता था एक पूरी पानी पूरी मुँह में डालने से तो आज तो मैं पता नहीं कुछ 10-12 तो खा चुकी हूँ अब तक और मुझे लगता है अगले 6 महीने तक मैं पानी पूरी नहीं खाऊँगी। वैलेंटाइंस डे के दिन नायरा और कार्तिक ने खूब रोमांस किया लेकिन इन दोनों के रोमांस के बाद क्या हुआ वो भी अब देखते जाइए। नशे की हालत में थी नायरा और नायरा को नक्श और नैतिक जैसे ही घर लेकर आए घर वाले नायरा को ऐसी हालत में देखकर दंग रह गए। नशा उतारने के लिए नैतिक नायरा को दही खिला रहे हैं तो वही नानी जी भी अपनी बिटिया रानी के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। अब कहते हैं ना नशे की हालत में इंसान के मुंह से सच ही निकलता है। नशे की हालत में नायरा की बातों को सुनकर घर वालों को थोड़ा बहुत शक हो गया कि कहीं नायरा और कार्तिक के रिश्ते में दरार तो नहीं आ गई है। अब भी बड़े बूढ़े हैं तो तजुर्बा भी तो काफी होगा। उनका सोचना एकदम सही है। जी हाँ घर वाले काफी परेशान है नायरा को लेके। उन्हें समझ में नहीं आ रहा नायरा को क्या हुआ है और शी इज नॉट इन हर सेंसेस। वैलेंटाइंस डे है और अच्छा होते होते धमाका हो गया। अब देखते हैं अपनी बिटिया रानी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए पापा जी और नानी जी क्या क्या कर सकते हैं। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।